नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल एंड वीवीए मैक्रो। तो दोस्तों, ये जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, मेरी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, जो कि मॉर्निंग 7 बजे कंडक्ट हो रही है। और हमारे पास दो बंदे अलग अलग हैं, कुछ मुंबई से हैं और कुछ दिल्ली से हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो आप भी चाहो तो हमारी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप के पास अगर कोई इंटरनेट फैसिलिटी हो, मोबाइल फोन हो, टैबलेट हो या लैपटॉप हो, किसी मीडियम से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की जो टॉपिक है, हम फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज का लिंक पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रुपेश जी, आज की जो सेशन है जिसपे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है फंक्शंस का, राइट? लास्ट क्लासेस में मैंने आपको एक लिंक भेजा था एक्सेल फंक्शन का, एक्सेस फंक्शन लिस्ट का। और एक्सेस फंक्शन लिस्ट क्या है, चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे कि एक्सेल में ऑलरेडी फॉर्मूले हैं, आप देखते हो कि एक्सेल के अंदर में तकरीबन जो है तकरीबन 500 के आसपास, 400 500 के आसपास, 400 नहीं, 300 350 के पास आसपास फॉर्मूले हैं। तो ये फॉर्मूले जो है, इसमें से कुछ फॉर्मूले वीवीए को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए टेक्स्ट में आप देखिए, इसका लेन का, लेफ्ट का, राइट का, ये फॉर्मूले वीवीए को सपोर्ट करता है। लेकिन बहुत सारे फॉर्मूले वीवीए को सपोर्ट नहीं करता है, जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, मैच, ऐसे वीवीए को सपोर्ट नहीं करते। कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जैसे कि कोड, कोड के लिए वीवीए में एसी फॉर्मूला है। तो कुछ ऐसे फॉर्मूला है जो कि एक्सेल में किसी और नाम से है और वीवीए में किसी और नाम से है। जैसे सब्स्टिट्यूट वहां पे रिप्लेस बन जाता है, टेक्स्ट फॉर्मूला वहां पे फॉर्मेट का फॉर्मूला बन जाता है। तो आपको ये चीज को जानना पड़ेगा कि वीवीए के अंदर में जो फॉर्मूला है वो कौन कौन से फॉर्मूला है, ठीक है? तो उसके लिए एक वेबसाइट है टेक ऑन द नेट, उस पे इसने पूरा डिटेल्स के साथ दिया हुआ है, पूरा डिटेल्स के साथ दिया हुआ है। यहाँ माफ कीजिएगा, ये हमने गलत साइड खोल दिया। इसमें है आपका, ये हमने सर्च में गलत कर दिया, हमें वीवीए फंक्शन रिसर्च करना चाहिए। ये आ गया टेन। ये फॉर्मूले हैं जो कि कैटेगरी के हिसाब से आपको दिख रहा है। इसमें कुछ फॉर्मूला वीवी के, जैसे चूज, चूज फॉर्मूला आपका एक्सेल का है बट वीवी पे भी सपोर्ट होता है। चूज को अप्लाई करने के लिए आपको एक्सेल एप्लीकेशन डॉट फंक्शन लिस्ट लेके आना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस जैसे और भी फॉर्मूले हैं, तो चलिए इन फॉर्मूले को एक बार हम डिस्कस करते हैं। जो फॉर्मूले वीवीए के हैं, चूज तो फॉर्मूला एक्सेल का है तो इसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो।
बात करते हैं फॉर्मूला एसी का। एसी द रिटर्न द स्काई वैल्यू इन द करेक्टर एंड सी एच आर एक करेक्टर में वैल्यू करती है ऐसे में, मतलब कि आपके एक्सेल में जो कैर फॉर्मूला होता है और जो कोड फॉर्मूला होता है वो है, बट इसका यूज क्या करेंगे। तो लास्ट लास्ट में शायद आपको याद होगा कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसमें हमने कुछ नंबर लिखे और कुछ टेक्स्ट लिखे थे और हमने इसको इफ कंडीशन से रिमूव किया था। लेकिन इसका रिमूव करने के एक और तरीका है, चलिए उस तरीके को अपनाते हैं। तो मैं डेवलपर में जाता हूं, विजुअल बेसिक इंसर्ट रोज सब्जेक्ट और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, नहीं सब्जेक्ट नहीं ना, फंक्शन है ना, फंक्शन फंक्शन का नाम लिख दिया रिमूव नंबर आर स्लैश एन और एन एज ए स्ट्रिंग, एन एज ए स्ट्रिंग और फिर डिम आर एज ए ऑल्सो स्ट्रिंग और आर इक्वल टू एन कर दिया। फिर हम करेंगे फोर आई इक्वल टू चले 58 to 127। अब ऐसा हमने क्यों किया, इसके लिए हमें आना पड़ेगा उस लिस्ट पे। यहाँ आपको अगर हम ए सी पे क्लिक करते हैं यहाँ स्काई वैल्यू का टेबल मिलेगा, देखिए डेसिमल नंबर दिख रहा है, ये नंबर है, नंबर कितने तरह के होते हैं कंप्यूटर में जान लीजिए, डेसिमल हेक्सा ऑक्टल नंबर सिस्टम तीन होते हैं। तो डेसिमल जो हम लोग जो जनरली 1 2 3 करते हैं वो होता है, हेक्सा वो 10 के बाद एबीसी हो जाता है एफ तक वापस फिर टेन चलता है, तो इस तरह से तो इसमें हमने देख रहे हैं कि 33 से करेक्टर स्टार्ट है और यहां इस पे आए 33 नहीं और 48 से हमारा नंबर है, उससे पहले स्पेशल करेक्टर है। 58 से जो स्टार्ट हुआ है उसका 127 तक सिर्फ नंबर ही नंबर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसी चीज का फायदा उठाया और हमने 58 से 127 कर दिया और हमने बोला R इक्वल टू रिप्लेस रिप्लेस और रिप्लेस में हमने R को लिया एंड कॉमा, हमने बोला सी एच आर कैर और कैर के अंदर में I को डाल दिया और हमने बोला ब्लैंक, मतलब कि जितने भी अल्फाबेट है उस सबको हम ब्लैंक से रिप्लेस कर देते, अंत में जो बच जाएगा वो आपका नंबर बच जाएगा, वही आपका रिजल्ट हो जाएगा आर अंडरस्कोर एन इक्वल टू आर। अब यहां पे अगर हम उठा लगाते हैं फॉर्मूला तो आपका नंबर नंबर है बट टेक्स्ट फॉर्मेट में है आपका, तो यहां इसको रिटर्न टाइप एज ए लॉन्ग कर लीजिए। इसमें कितने फॉर्मूले सीखा आपने, इसमें तीन फॉर्मूले सीखे। पहला सीखा आपने कोड एंड कैर का और दूसरा आपका रिप्लेस का। तो इसी लिस्ट में आगे जाएंगे आप तो इसमें आपको रिप्लेस का फॉर्मूला मिलेगा जो कि सब्स्टिट्यूट की तरह होता है। इसमें और भी फॉर्मूले कॉन्कैटेनेट
जनरली तो जानते ही, हमने कई बार दिखाया भी आपको कि दो वैल्यू को आपस में कॉन्करेंट करना और ऑल्सो फॉर्मेट टेक्स्ट के इस्तेमाल होता है। अब इसमें एक एन एस टी आर और एन एस टी आर रिवर्स है। याद होगा जब मैंने आपको एक्सेल पढ़ाया था तो वहां पे फाइंड के फॉर्मूले थे, तो जो फाइंड का फॉर्मूला है वो यहाँ पे होता है। अब इसका यूज क्या है, चलिए मैंने यहाँ पे लिखा सुजीत एन कुमार, मुझे इसमें से फर्स्ट नेम अलग करने हैं विथ फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे नाम जो है डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया लेफ्ट का, सेलेक्ट किया लेफ्ट में हमने यहाँ पे, अब पता नहीं कि लेफ्ट में कितना डिजिट निकालना है, तो पता ही नहीं है क्योंकि सुजीत तो 5 है, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फाइन, यहाँ पे फाइन का फॉर्मूला इस्तेमाल किया। फाइन का फॉर्मूला क्या करता है कि ये बताता है कि स्पेस या कोई पर्टिकुलर करेक्टर कितने डिजिट पे है। तो मैंने फॉर्मूला लगाया फाइंड का और इसको सेलेक्ट किया, नहीं इसको नहीं, इसमें उल्टा दे रहा होता है, स्पेस कॉमा इसको सेलेक्ट किया और स्टार्ट नंबर फ्रॉम 1, और हमने यहाँ पे -1 कर दिया क्योंकि वो स्पेस तक की दूरी देता नहीं, इसलिए सुचित आया। ऐसे राइट के लिए, इसके लिए मतलब लास्ट नेम के लिए अगर 2-3 नेम हुआ तो दिक्कत होगा, तो इसके लिए वीवीएम में एक अच्छा सा यूज है, आपको वीवीएम बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। यहाँ पे हम फंक्शन लेते हैं आर अंडरस्कोर लेफ्ट नेम, लेफ्ट एंड लेफ्ट नेम एंड एज ए स्ट्रिंग। फंक्शंस का स्पेलिंग सर, फंक्शन का स्पेलिंग मिस्टेक है ना, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डिम आर एज ए एल्सो स्ट्रिंग, और हमने सबसे पहले यहाँ पे आर इक्वल टू लेफ्ट, एक साथ भी लिख सकते हो या अलग अलग भी कर सकते हो, अलग अलग करने के लिए फिर वेरिएबल लेना पड़ेगा आपको। लेफ्ट एन ले लिया और इसमें दिया इन एस टी आर, क्योंकि जो फाइंड का फॉर्मूला है यहाँ पे इन एस टी आर बन गया। इसमें इसमें उसका उल्टा देना होता है, इसमें स्टार्ट इसके अंदर एन के अंदर क्या तो स्पेस फिर -1 ब्रैकेट क्लोज कर एंड द लास्ट में आपका एल अंडरस्कोर एन हो जाएगा इक्वल टू आर। तो यहाँ पे हम इसका अप्लाई करके डाल देते हैं सिंपल एप्लीकेशन। लेकिन लास्ट नेम, क्योंकि इसमें बीच में कुमार भी हो सकते हैं, सिंह भी हो सकते हैं, बहुत बड़ा नाम भी हो सकता है, तो दिक्कत होता है क्योंकि फिर फाइन लिमिटेड हो जाता है, 2-3 अगर 4 नाम हुए तो, या फिर बहुत बड़ा नाम है उसमें से सिर्फ एड्रेस है तो उसमें सिर्फ नंबर को अलग करना है, उस केस में लास्ट में मोबाइल नंबर है उसको अलग करना है, तो वहां पर दिक्कत होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है इन एस टी आर रिवर्स, ये भी जस्ट इसके तरह करेक्टर को फाइंड करके नंबर बताता है कि ये फाइंड की तरह, बट ये क्या करता है कि रिवर्स मतलब कि पीछे से, ये क्या इन एस टी आर क्या करता है, आगे से करता है और इन एस टी आर रिवर्स पीछे से करता है। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल हम बता देते हैं आपको कि फंक्शन राइट नेम आर अंडरस्कोर नेम, क्योंकि आर नेम ऑलरेडी है इसलिए एन एज ए स्ट्रिंग, और उसके बाद हमने सेम फॉर्म सेम ये उठा लेते हैं अब इसमें इन एस टी आर की जगह पे इन एस टी आर रिवर्स आएगा, और इन एस टी आर रिवर्स को आप देखेंगे सिंटैक्स देखेंगे इसका, तो अप्लाई करने का तरीका कुछ और है। देखिए यहाँ पे डेट
और नंबर नंबर और अल्फाबेट होते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे हमने बोला कि ये पोजीशन इसमें नहीं होता है, पोजीशन लास्ट में होता है, डाल सकते हैं, जरूरी नहीं 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 डालना नहीं है, लेकिन नहीं डालेंगे लास्ट से ले जाना है तो डालने की जरूरत है। और इसमें हमने बोल दिया स्पेस को, फिर इसमें आपको लेफ्ट का फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर इसमें राइट का फॉर्मूला लगेगा, राइट हमने बोला लेन कि लेन जो है आर का जितना लेंथ है उतने से इन एस टी आर को माइनस करो और उतना लेटर ले जाओ। अब इसको अप्लाई कीजिए, हाँ सॉरी अभी तक हमने इसमें आर अंडर स्कोर नेम जो है वो इक्वल टू आर नहीं किया है, लेकिन एरर दे रहा है मतलब कि गड़बड़ है, सॉरी 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 एन हो। आ गया कुमार, तो इन एस टी आर रिवर्स का ही काम है। तो इसमें एक नया फॉर्मूला आपको मिला इन एस टी आर रिवर्स, एक फाइन फॉर्मूला इन एस टी आर हो जाता है और रिवर्स इन एस टी आर रिवर्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है एक्सेल में, लेकिन यहाँ पे है। ऐसे ही आपको एल केस लोअर केस करता है, लेफ्ट लेन एल ट्रिम लेफ्ट से ट्रिम करेगा, मिड रिप्लेस रिप्लेस फॉर्मूला जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूट होता है, राइट आर ट्रिम स्पेस स्पेस फॉर्मूला रैप्ट का काम करता है, लेकिन रैप्ट फॉर्मूला क्या करता है करेक्टर को नंबर ऑफ टाइम में रिपीट करता है, बट इसमें क्या है स्पेस में जैसे स्पेस में आपने 10 दिन नंबर नंबर दे दिया तो 10 स्पेस दिखाएगा। इसमें आता है एक स्प्लिट स्प्लिट फॉर्मूला देख लीजिए एक बार, यहाँ यू केस अपर केस वैल वैल्यू में कन्वर्ट करता है, जैसे कि कोई टेक्स्ट नंबर टेक्स्ट में है उसको वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्प्लिट का काम क्या है बताता हूं आपको, जैसे कि टैग ऑन द नेट इस तरह से लिखा हुआ है, स्प्लिट के अंदर में डाल दोगे तो फिर वो अलग अलग सेल में कर देगा, स्पेस की भाव से ऑटोमेटिक अलग कर देगा, जस्ट लाइक टेक्स्ट टू कॉलम। तो ये ऑटोमेटिक रीड कर लेता है कि कॉमा है स्पेस है तो स्पेस की भी आपसे अलग करना है, डॉट है तो डॉट की भी आपसे अलग करना है, ये सेमी कॉलन है को रीड कर लेता है सेमी कॉलन के हिसाब से करना है। ठीक है, तो अलग अलग ये अलग अलग सेल पे देता है, ध्यान रखिएगा एरे फॉर्मेट दिख रहा है ना आपको, मतलब कि अलग अलग सेल पे देता है। तो बाकी फॉर्मूला रीड रीड कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। इसमें आपका एक आता है एक कन्वर्टर का टाइम है जिसकी कन्वर्ट का काम करता है, और यह आता है एस टी आर रिवर्स रिटर्न द स्ट्रिंग होस्ट कैरेक्टर द रिवर्स ऑर्डर, ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है देख लीजिए। कि अगर आपने इसे रिवर्स में दिया एबीसीडी तो रिजल्ट देगा डी सी ए बी ए, रिटर्न रिवर्स कर देता है। तो इसका यूज आप कहां करोगे सर, पासवर्ड में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अपनी आपके अपने पासवर्ड को अगर स्टोर करना है सिस्टम में तो पासवर्ड को ऐसे स्टोर कर सकते हो, अगर कोई डेटाबेस एक्सेस हो गया अगर पासवर्ड देख भी लिया तो उसको उसको डिकोड करना पड़ेगा, वैसे सी वगैरह में इसका यूज होता था। तो स्ट्रिंग फॉर्मूला मेरे हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है सर। रुपेश जी कोई डाउट? नो सर। तो एक बार आप खुद से एक बार स्ट्रिंग फॉर्मूले को देख लीजिएगा, फिर हम अगली कैटेगरी डेट एंड टाइम फंक्शन पे चलेंगे। ओके ठीक है, तो अपने हिसाब से इसको एक बार देख लीजिए,
और फिर हम आपको जो है अगली कैटेगरी डेट एंड टाइम की कैटेगरी पे आपको समझाएंगे सर, ओके सर, ठीक है। और ये वेबसाइट को फॉलो करते रहिएगा और आपको जो है आ जाएगा, क्योंकि ये वेबसाइट पे दिया हुआ लिस्ट में सही तरीके से, तो इसका हम यहीं से देख लेते, कभी इंटरनेट है हमारे पास तो, ठीक है। तो मिलते हैं कल ओके सर, सेम टाइम, और आज की क्लास की जो वीडियो है ना मैंने यूट्यूब पे डाल दी है सर, मिल जाएगी। तो दोस्तों देखा किस तरीके से मैंने इनको क्लास दिया, क्लासेस थोड़ी तो छोटी थी आज की, क्योंकि उनको प्रैक्टिस करना है, स्टडी करना था, इसलिए इसलिए था। आप भी चाहो तो आप हमारी क्लासेस को ऑनलाइन ले सकते हो, लाइव इंटरेक्टिव वन टू वन। और ऐसे भी सर मॉर्निंग की क्लास तो छुट्टी होती है, क्योंकि इन लोगों को ऑफिस निकलना होता है, ज़्यादा पढ़ा होगा तो ऑफिस में लेट हो जाती है। तो आप भी हमारी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हो, इसके लिए आपको बस इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए, हेडफोन चाहिए, और आप क्लास मोबाइल से भी कर सकते हो। क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो एक्सेल वीवीए में तो मुझे आप कॉल कर सकते हो, या फिर हमारे डीवीडी परचेज करना हो तो मेरी वेबसाइट iptindia.com विजिट कर सकते हैं।